माता दी, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन मोर फेमस पोम बाय जॉन डन, दैट इज द गुड मोरो. द गुड मोरो दैट मीन्स द गुड मॉर्निंग. ओके, सो यहाँ पे गुड मॉर्निंग की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स कि स्पीकर यहाँ पे और पोइट जो जॉन डन है वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जो मॉर्निंग है वो हुई है जब उन्हें लव मिला है. उससे पहले जैसे ऐसे था जैसे कि वो सो रहे हैं. किस तरीके से उन्होंने ये बताया है कि जो कि लव है उसका इफेक्ट जो है वो सेम होता है जैसे कि रिलीजन. एक तो इसकी बात की गई है इस पोम में. दूसरा है कि मतलब कोई भी मैरिज के अलावा जो आउटसाइड लव जो होता है वो भी इतना ही ट्रांसफॉर्मेटिव होता है. दैट मीन्स वो भी आपको इनलाइटमेंट करता है कि उससे पहले जैसे कि लव की फीलिंग अगर नहीं होती है तो तब तक ऐसा लगता है जैसे कि सो रहा है इंसान, और वो तब जागते हैं. उनकी गुड मॉर्निंग तब होती है जब उनकी लाइफ में लव आता है. तो ये चीज़ उन्होंने अपनी पोम में बताया है. वो इस पोम में इसी तरीके से वो ये सब बताते हुए, अब हम लाइन बाय लाइन देख लेते हैं कि वो किस तरीके से ये सब कुछ बताते हैं. इसमें जो फर्स्ट लाइन है, आई वंडर बाय माई ट्रोथ वॉट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड वर वी नॉट वीन टिल देन. इन लाइन्स में वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि क्या तुम और मैं अब तक क्या कर रहे थे, मतलब प्यार में पड़ने से पहले तुम और मैं क्या कर रहे थे. दैट मीन्स वो अपने लवर को बता रहे हैं यहाँ पे, अपने मिस्ट्रेस को पूछ रहे हैं कि हम क्या कर रहे थे जब हमें प्यार नहीं हुआ था. दैट मीन्स हम सो ही रहे थे. वो कह रहे हैं कि क्या हम तब तक ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे थे. दैट मीन्स कि क्या हम बहुत छोटे थे. दैट मीन्स क्या बिल्कुल ही ना समझ थे. बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर चाइल्डली और नॉट डिड वी इन द सेवन स्लीपर्स देन. और वो कह रहे हैं कि क्या हम चाइल्डलेसली मतलब बहुत बचकानी हरकतें करते थे, मतलब एकदम छोटी छोटी जो सिंपल चीज़ें हैं उन पे उनका हम आनंद ले रहे थे. दैट मीन्स हम छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो रहे थे, ऐसे बच्चे थे. और या फिर हम सेवन स्लीपर्स डैन में थे. दैट मीन्स यहाँ पे सेवन स्लीपर डैन को यहाँ पे बाइबल से लिया गया है कि सेवन स्लीपर डैन जो है इसमें जो है सेवन जो हैं क्रिश्चियन ब्रदर्स की बात की गई है कि वो जो हैं वो किस तरीके से राजा की डेथ सेंटेंस से बचने के लिए एक डैन में छुप जाते हैं और वो 200 साल तक वहाँ सोते रहते हैं. तो वो जो रेफरेंस है वो इन्होंने यहाँ पे पॉम में इस फोर्थ लाइन में उन्होंने लिया है फर्स्ट स्टैंजा की, कि क्या हम इस तरीके से सो रहे थे जैसे सेवन स्लीपर्स जो सो रहे थे डेन के अंदर उस तरीके से सो रहे थे, या फिर इट वॉज सो बट दिस ऑल प्रेजर्स फैंसीज बी, या फिर मतलब वो सारा कुछ जो था वो एक ड्रीम था. क्या ये सच है कि जो भी वो सारी चीज़ें थी जो हम बचकानी हरकतें कर रहे थे या छोटी छोटी चीज़ों का आनंद ले रहे थे, क्या वो सब कुछ एक सपना था. इफ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी विच आई डिजायर्ड एंड गॉट इट वॉज बट ए ड्रीम ऑफ दी. लास्ट टू लाइन्स में वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैंने कभी कुछ चाहा या फिर कभी मुझे मिला जो कि बहुत सुंदर था, मतलब कोई भी सुंदर चीज़ को मैंने चाहा या उसे पाया, वो क्या था? वो सिर्फ तुम्हारा सपना था. ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारा ही एक सपना हो वो चीज़. अगर कोई भी मैंने चीज़ जो चाही और पाई है तो समझो कि वो ऐसा था जैसे कोई तुम्हारा सपना हो, कि कोई तुम्हारा सपना ही देख रहा था. नाउ हम सेकंड स्टेंजा देख लेते हैं. उसमें पोइट क्या कहते हैं? एंड नाउ गुड मॉर टू आर वेकिंग सोल्स. और अब वो अपनी सोल्स को क्या कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, कि अपने सोल्स को जगा रहे हैं. आगे वो क्या कहते हैं? विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर फॉर लव और ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल. और वो क्या कह रहे हैं कि अब उनकी सोल्स हैं वो गुड मॉर्निंग, वो उठ चुकी हैं. वो एक दूसरे को ना तो डर से देख रही हैं ना कोई जेलसी है, क्योंकि वो प्यार है. वो
उन्हें और सब चीजों की तरफ देखने ही नहीं दे रहा है, वो सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। उनको ना किसी से जेलसी है, ना फियर है, वो सिर्फ प्यार है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन्स में वो क्या कह रहे हैं, एंड मेक वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, और हमने एक छोटा सा कमरा बना लिया है जो हमारा संसार रूपी कमरा है। दैट मीन्स कि वो पूरा वर्ल्ड जितना बड़ा है वो कमरा, दैट मीन्स हम एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे में ही हमें अपनी दुनिया नजर आ रही है। लेट सी डिस्कवर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गोन, और वो क्या कह रहे हैं कि जो सी डिस्कवरर्स हैं जो कि एक्सप्लोर कर रहे हैं, दैट मीन्स वो उस टाइम की बात कर रहे हैं जब लोग जो हैं, जैसे कि अमेरिका की खोज हुई थी या फिर अलग अलग देशों की खोज कर रहे थे, जो सी डिस्कवरर थे, नए वर्ल्ड जो ढूंढ रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि उनको जाने दो ओशियंस में, उनको ओशियंस के पार पार जाने दो और उन्हें नए जो वर्ल्ड हैं वो खोजने दो। और आगे वो क्या कहते हैं, लेट मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, और उन्हें मैप्स भी बनाने दो, दैट मीन्स उनको डिस्कवर करने दो नई दुनिया, नई दुनिया के मैप भी बनाने दो। वो वर्ल्ड पे जो भी चीजें वो खोजेंगे वो उनके मैप बनाते रहेंगे। लेट अस पॉसेस इज वन वर्ल्ड, ईच हाथ वन एंड इज वन। लेकिन वो यहाँ पे अपनी बात क्या कर रहे हैं कि हमारा तो एक ही यहाँ पे वर्ल्ड है, हम दोनों का एक ही वर्ल्ड है, जैसे मेरा वर्ल्ड तुम हो और तुम्हारा वर्ल्ड मैं हूँ, तो हम दोनों का तो सिर्फ एक ही वर्ल्ड है, और बाकी जो भी एक्सप्लोरर्स हैं, जो भी डिस्कवरर्स हैं, उनको डिस्कवर करने दो उनकी दुनिया। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा ऑफ दिस पोम इज टेलिंग, माई फेस इन दाई आईज, दाई इन माई अपियर्स, और ये लास्ट स्टेंजा में वो क्या कह रहे हैं कि मेरा चेहरा तो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है और तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में। दैट मीन्स कि एक दूसरे का चेहरा वो देख रहे हैं एक दूसरे की आंखों में। एंड ट्रू प्लेन्स हार डू इन द फेसिस रेस्ट, और हमारा जो इसी तरीके से हमारे जो दिल की जो सच्चाई है, हार्ट की जो सच्चाई है, वो हमारे फेसेस पे नजर आ रही है। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर्स विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट। सो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमें ऐसे दो हेमिस्फेयर कहाँ मिलेंगे, दो ग्लोब पे, आपने नॉर्थ हेमिस्फेयर साउथ हेमिस्फेयर आपने देखा होगा, तो हमें ऐसे दो बेटर हेमिस्फेयर कहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे कि नॉर्थ जैसे ठंड भी ना हो और वेस्ट में जिस तरीके से सनसेट के बाद में अंधेरा हो जाता है वो वैसा वेस्ट भी ना हो, ऐसा हमें ग्लोब के दो बेटर हेमिस्फेयर कहाँ मिल सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में वो ये पूछ रहे हैं, उसके बाद में क्या कह रहे हैं, वॉट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, और वो साथ में ये भी कहते हैं कि हर वो चीज़ मर जाती है जो कि मिक्स नहीं होती है एकदम इक्वली। सो वो अच्छे से जो चीज़ मिक्सअप नहीं हो पाती है वो खत्म हो जाती है, वो मर जाती है। इफ आर टू लव्स बी वन और दाओ एंड आई लव सो अलाइक दैट नन डू स्लैकन नन कैन डाई। और लास्ट टू लाइन्स में उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हम जो दो लवर्स हैं वो इतने परफेक्टली मैच्ड हैं कि हम एक हो चुके हैं, और इसलिए हमारा जो प्यार है वो कभी भी अपनी पावर को नहीं खोएगा और इसलिए हम कभी भी नहीं मरेंगे। सो होप आपको ये दो लास्ट टू लाइन समझ में आ गई होंगी कि वो अपने प्यार को इतना परफेक्ट मान रहे हैं कि वो एक हो गए हैं और इसलिए उनका प्यार जो है अभी कभी भी पावर नहीं खोएगा और वो कभी भी नहीं मर सकते, क्योंकि वो चीज़ें खत्म होती हैं, वो मरती हैं जो कि इक्वली मिक्स नहीं होती हैं, बट हम तो यहाँ पे मिक्स हो गए हैं, सो हम कभी भी नहीं खत्म होंगे। सो इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कॉमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।